नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन को मिली मंजूरी। बीएसईबी इंटर सेंटर परीक्षा का डेट हुआ आउट। बिहार के 2.25 करोड़ लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित 63 प्राचार्यों से मांगा गया स्पष्टीकरण। विराट कोहली ने दोहराया सचिन का कारनामा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन को मिली मंजूरी। कुछ दिनों पहले ही बिहार वासियों को पटना से रांची जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली थी। वहीं अब रेलवे बोर्ड की ओर से पटना से मालदा और गया से हावड़ा के बीच दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस और जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच 3 वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बनारस से आसनसोल के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि बिहार से होकर गुजरेगी। मालूम हो कि इन ट्रेनों के परिचालन को लेकर पूर्व रेलवे के द्वारा जल्द ही तारीख घोषित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे मेट्रो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ही छोटा स्वरूप है, जिसके जरिए कम दूरी वाले शहरों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इन सब के अलावा भविष्य में हावड़ा और पटना के बीच भी वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को भी मंजूरी मिल सकती है। बीएसईबी इंटर सेंटर परीक्षा का डेट हुआ आउट। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से लिए जा रहे इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा के तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके अंतर्गत इस परीक्षा की शुरुआत 27 अक्टूबर से होने वाली है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि जो छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं और परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तो वैसे छात्रों को फाइनल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसे छात्र इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सभी जिला के डीईओ को यह निर्देश दिया गया है कि 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में बिहार इंटर सेंटर परीक्षा का प्रश्न पत्र डीईओ कार्यालय में उपलब्ध हो जाएगा। सेंटर परीक्षा गोपनीय प्रश्न पत्र की देखरेख की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधान को दी गई है। पटना मेट्रो को लेकर राजेंद्र नगर में खुदाई शुरू। मोइनुल हक स्टेडियम से पटना वीवी तक पटना मेट्रो भूमिगत खुदाई को लेकर जमीन के 16 फीट नीचे लॉन्च की गई पहली टनल बोरिंग मशीन ने 85 मीटर की दूरी तय कर ली है और अब स्टेडियम के भूमिगत मेट्रो स्टेशन के बिड़माना कार्य का इनिशियल ड्राइव पूरा हो गया है। ऐसे में टनल बोरिंग मशीन ने मेन ड्राइव यात्रा शुरू कर दी गई है। वहीं अब राजेंद्र नगर भूमिगत स्टेशन निर्माण को लेकर डी वॉल केज डाले जाने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई है, जो कि लोहे की सरिया और मजबूत कंक्रीट से तैयार हो रहा है। बता दें कि राजेंद्र नगर से पहले मोइनुल हक स्टेडियम के पास डी वॉल को 82 फुट गहरे गड्ढे में, जबकि आकाशवाणी के पास करीब 25 से 30 मीटर गहरी और लगभग 1.5 मीटर चौड़ाई में जमीन के भीतर डाला गया था। टाटा एस से 648 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग के द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के जमुई के बामदह चेक पोस्ट का है, जहां पर उत्पाद अधीक्षक संजीव कुमार ठाकुर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अधीक्षक संजीव कुमार ठाकुर के नेतृत्व में उत्पाद इंस्पेक्टर सुभाष कुमार, जमादार सुरेश प्रसाद सिंह और सूटन पंडित सहित अन्य उत्पाद सिपाही ने कार्रवाई करते हुए टाटा एस वाहन से 72 कार्टून से विभिन्न ब्रांड के 648 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं और इसके साथ ही चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रवि कुमार और राम अवतार राजवंशी के रूप में की गई है। फिलहाल दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को जेल भेजा जाएगा। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित 63 प्राचार्यों से मांगा गया स्पष्टीकरण। 1 जुलाई से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और साथ ही स्कूलों की व्यवस्था का निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक बिहार की राजधानी पटना जिले में 304 ऐसे शिक्षकों के वेतन को रोक दिया गया है जो निरीक्षण के दौरान बिना अनुमति के छुट्टी पर थे। इसके अलावा जिले के 25 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के वेतन को भी रोक दिया गया है, जिनके स्कूलों में चल रहे असैनिक कार्य में देरी की गई है। वहीं 63 प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बता दें कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य को पूरा कर लें। डेंगू से निपटने के लिए अपनाएं ये मंत्र।
मानसून के आते ही मच्छर से होने वाली बीमारियों का डर बन जाता है। ऐसे में इन दिनों राज्य में डेंगू का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंगू से बचने के लिए एक मंत्र जारी किया गया है, जिसकी मदद से आप खुद को डेंगू होने से बचा सकते हैं। बता दें कि वह मंत्र 10 सप्ताह 10 बजे और सिर्फ 10 मिनट है, यानी कि हर रविवार 10 सप्ताह तक 10 बजे केवल 10 मिनट तक अपने घरों की साफ सफाई करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील भी की गई है कि वे अपने घरों में पानी जमने न दें, कहीं गड्ढा हो तो उसे जहां तक संभव हो भर दें और यदि तब भी जल जमाव हो तो किरासन तेल का छिड़काव कर दें ताकि डेंगू के मच्छर न पनपे। इस सबके अलावा विभाग की ओर से चिकित्सकों को निर्देश दिया गया है कि वे डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करें। भारतीय फुटबॉलर स्पाइडरमैन सुब्रत पॉल पहुंचे पटना। बीते दिन भारतीय फुटबॉलर स्पाइडरमैन सुब्रत पॉल बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने अल्फा स्पोर्ट एकेडमी को देखा और साथ ही इस दौरान उन्होंने वहां के प्रशिक्षकों से बात भी की, जिससे कि उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से बिहार के फुटबॉलरों की जगह भारतीय फुटबॉल टीम में होगी। बता दें कि सुब्रत पॉल का जन्म बिहार में ही हुआ है, जब बिहार झारखंड में था वहीं उन्होंने एक प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार से बातचीत करते हुए बिहार को लेकर कहा कि भले ही मैं बंगाल से हूं, लेकिन मेरा जन्म और पढ़ाई बिहार से हुआ है, जब बिहार झारखंड एक था। उन्होंने बताया जब जमशेदपुर बिहार का पार्ट था तभी उन्होंने वहां से ही खेलना शुरू किया था, इसलिए बिहार मेरा पहला घर है। मालूम हो कि साल 2016 में सुब्रत को भारत में खेल के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के 2.25 करोड़ लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर। राज्य के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह दावा किया गया है कि बिहार राज्य में गरीबी में गिरावट आई है और संपन्नता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की उपेक्षा के बावजूद बिहार अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, राज्य विकास के हर पैमाने पर आगे है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आज बिहार देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में होता। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 की अवधि में पूरे भारत में 13.51 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जबकि बिहार में अकेले 2.25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा से बाहर आए हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर हुए व्यक्तियों में 16.65% व्यक्ति बिहार राज्य के हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद वर्ष 2014-15 के 39,341 रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 54,383 रुपए हो गए हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा समर्थन पत्र। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर बिहार के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, मंत्रियों, पंचायती राज एवं नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त समर्थन पत्रों को समर्पित किया गया है। मालूम हो कि इस मांग को लेकर 10 जून 2023 को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा गांधी आश्रम भितिहरवा से जन जागरण व हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया था, जिसमें हर स्तर के जनप्रतिनिधियों का समर्थन हासिल किया गया था। बता दें कि इस मौके पर संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया कि संघ के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त समर्थन पत्रों को समर्पित कर दिया गया है और एक बार फिर से सीएम नीतीश से आग्रह किया गया है कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा शिक्षक संघों के साथ वार्ता करने के लिए आश्वासन के अनुरूप शीघ्र वार्ता की तिथि तय करें। पटना गया डोभी रोड से जुड़ेगा एम्स। बिहार की राजधानी पटना की बड़ी आबादी की सहूलियत के लिए इस साल के अंत या नए साल 2024 की पहली तिमाही में नाथूपुर से एम्स तक करीब 7 किलोमीटर लंबाई में करीब 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6 लेन एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। बता दें कि इसके साथ ही निर्माणाधीन पटना गया डोभी सड़क की कनेक्टिविटी सरिस्ताबाद नाथपुर से भी करने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो एम से नतपुरा एलिवेटेड या दीदारगंज से अनिशाबाद आने वाली गाड़ियां पटना गया डोभी से होकर जा सकेंगे। इस सड़क के निर्माण होने से कई इलाकों को कनेक्टिविटी मिलेगी, जिनमें चितकोहरा मोड़, पटना बाईपास, जगदेव पथ, फुलवाड़ी रोड, तारापुर स्टेशन रोड, एम्स एलिवेटेड रोड और नौबतपुर रोड शामिल है। वहीं बाद में 13 किलोमीटर लंबाई में एलिवेटेड सड़क बनाने के बाद अनिशाबाद और दीदारगंज से भी कनेक्टिविटी कराई जाएगी। वीटीआर में पेयजल के लिए हो रही पहल। वीटीआर वन प्रमंडल 2 के वाल्मीकि नगर रेंज जंगल कैंप में पर्यटकों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसके लिए वन विभाग के द्वारा पहाड़ों को काटकर तकरीबन 500 फीट नीचे से पानी निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार अब तक 400 से फीट बोरिंग हो चुकी है। मालूम हो कि यहां आने वाले पर्यटकों को पानी की भारी किल्लत से गुजरना पड़ता है, जिससे कि पर्यटकों को काफी परेशानी होती है। पर्यटकों की इन परेशानी को देखते हुए वन विभाग के द्वारा यह पहल की गई है और पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि वाल्मीकि नगर का 3 नंबर पहाड़ है। इस बारे में रेंजर अवधेश कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि यह पहल विभाग के बड़े अधिकारियों के निर्देश पर शुरू किया गया है। वहीं अब बहुत जल्दी 500 फीट से ज्यादा गहराई का पानी पर्यटकों को उपलब्ध होने लगेगा। पोती को गोद में लिए नजर आए लालू।
बीते दिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का जन्मदिन था। ऐसे में इस खुशी के मौके पर बीते दिन राजश्री ने अपना जन्मदिन बर्थडे केक काट कर मनाया, जिसकी तस्वीर तेजस्वी यादव के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है। बता दें कि शेयर की गई इस तस्वीर में लालू यादव और राबड़ी देवी भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में लालू यादव अपनी पोती कात्यायनी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में तेजस्वी यादव और राजश्री अपनी बेटी को गोद में लेकर दुलार करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी भी शेयर की गई है जिसमें राजश्री अपना बर्थडे केक काट रही है और उनके आसपास लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मौजूद हैं। बीजेपी लाठीचार्ज मामले में फंसे एसडीएम और एएसपी। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल के द्वारा पटना की एसएसपी काम्या मिश्रा, सदर एसडीएम खंडेकर श्रीकांत कुंडालिक समेत पटना जिले के दूसरे पदाधिकारियों के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन और प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायत की गई है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि सिंगरीवाल के द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि बिहार की राजधानी पटना में 13 जुलाई को प्रशासन से मिली अनुमति के बाद बीजेपी की ओर से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक रूप से गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक निकाले गए विधानसभा मार्च में भाग लेने के लिए मैं गांधी मैदान पहुंचा था। वहां बीजेपी के कई शीर्ष नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान मैं जैसे ऐसे ही डाक बंगला पहुंचा तो वहां मौजूद दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के सामने ही मुझे जान से मारने और अपंग बनाने की नीयत से मेरे सिर से लेकर पूरे शरीर पर पुलिस द्वारा लाठियों से हमला कर दिया गया। इतना नहीं, मेरे साथ जो कार्यकर्ता एवं सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा भी चिल्ला चिल्ला कर लगातार बताए जाने के बाद कि ये माननीय सांसद हैं, फिर भी मुझ पर लाठियों से प्रहार जारी रहा। वेंकटेश और सुनील जोशी ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी ने मुलाकात की। बता दें कि उनकी यह मुलाकात तेजस्वी यादव के आवास पर हुई है। मालूम हो कि इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा खुद ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्री वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी जी से आवास पर मुलाकात में बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने व प्रशिक्षित करने इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श हुआ। बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा बीते दिन हुई इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई है, जिसमें वे तीनों आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ने दोहराया सचिन का कारनामा। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली के द्वारा 5 साल बाद विदेशी धरती पर शतकों का सूखा खत्म करते हुए अपने टेस्ट करियर का 29वां शतक जड़ा और इसी के साथ विराट कोहली ने सर डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों की बराबरी कर ली। इसके अलावा विराट कोहली ने अपने नाम एक और अनोखा कमाल किया है। दरअसल विराट कोहली के द्वारा सचिन तेंदुलकर के कारनामे को दोहराया गया है। दरअसल वर्ष 2002 में सचिन तेंदुलकर के द्वारा 117 रन की पारी खेलते हुए सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की गई थी। वहीं अब विराट कोहली ने 121 रन बनाकर सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी 121 रन की पारी खेलते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ ही अपना टेस्ट करियर का 29वां शतक जड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने 438 पर 8 विकेट गंवाकर अपनी पहली पारी घोषित की है। वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 86 रन पर 1 विकेट था। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, गौरा देवी, अनवर करीम खान, अमित कुमार, रंजीत मिश्रा, मुटू रंगीला, कृष्णा कुमार अहमद, अमरिंद्र, मृत्युंजय कुमार, दिनेश ठाकुर, इंद्र भूषण रवि, सदुल्लाह पलवी, सौरभ कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, दयाशंकर प्रसाद सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वेस्टइंडीज और भारत के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में मौजूदा हालात को देखते हुए आपके अनुसार किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।